सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन इज बिकमिंग मैंडेटरी, एक्चुअली जरूरी होती जा रही है, हम सबको लगवानी जरूरी हो रही है। इट इज रिक्वायर्ड बेसिकली, जैसे हमने कहीं ट्रेवल करना है, इवन जैसे ना स्टेट के बाहर भी जाना है, तो दैट सर्टिफिकेट वी शुड ऑलवेज कैरी विद अस, हमारे पास होना जरूरी है। एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज ओपन लाइक 15 टू 18 इयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी द पोर्टल इज ओपन नाउ टू गेट द कोविड वैक्सीनेशन डन। दोस्तों, आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली रूटीन रिक्वेस्ट को रोक के आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। देर आर सो मेनी क्वेरीज पोरिंग इन, पेरेंट्स के वाजिब सवाल हैं, दे आर लाइक ना डाउट, सर्टेन डाउट्स कि बच्चों में अगर वैक्सीन करवा रहे हैं व्हाट अबाउट द एक्यूट रिएक्शंस, कई बार ना एक्यूट साइड इफेक्ट्स कहीं कुछ आ रहे हैं तो उसमें क्या बचाव कर सकते हैं हम बच्चों के लिए, स्पेशली दे आर मोर कंसर्न्ड। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, आपके सामने रखूंगा बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं। इन केस यू आर गेटिंग योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड या आप खुद भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये कुछ दवाएं अपने पास जरूर रखें, काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। दोस्तों, बेसिक पर्पस क्या है, वी नीड टू बिल्ड अवर इम्यूनिटी, है ना, हमने अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रांग बनाना है, अपनी इम्यूनिटी, बच्चों में भी इम्यूनिटी और स्ट्रांग बनाना है, सो दैट वी नेचुरली फाइट सच इन्फेक्शंस लाइक कोविड एंड अदर्स फ्लू इन्फेक्शंस लाइक। ठीक है, तो ये जो कोविड की वैक्सीन है ना, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर वैक्सीन, जैसे नवजात शिशुओं में वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, वी गेट अ कार्ड प्रिपेयर्ड और रेगुलर इंटरवल्स पे बूस्टर डोजेस भी लगती आ रही हैं, तो उनके साथ जुड़ते जैसे कोई माइल्ड से साइड इफेक्ट्स कहने होते हैं, तो इसमें भी स्वाभाविक हो सकते हैं, लाइक दे कैन बी पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहां इंजेक्शन लगता है वहां दर्द रह सकता है, बुखार अक्सर देखने में आया है ना, मसल एक्स हो सकते हैं, चिल्स, ये कुछ रूटीन सिम्टम्स विच आर ऑब्जर्व्ड इन रूटीन वैक्सीनेशन, तो इसमें भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने पास ये दवाएं अपने पास जरूर रखें एज पर द सिम्टम्स, मैं बताता हूं आपको वो सिम्टम्स के आधार पे ये दवाएं और क्या डोज आपके सामने रखता हूं। जब वैक्सीनेशन के लिए जाना है अ डे बिफोर यू प्लान टू गो, ये दो दवाएं अपने पास जरूर रखें। नाउ दीज विल एक्ट एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन कि हमें साइड इफेक्ट ना हो वैक्सीन लगवाने के बाद। ये दो इंपॉर्टेंट दवाएं, द फर्स्ट इज हाइपेरिकम एंड द सेकेंड इज लीडम्पाल, दोनों दवाएं बहुत महत्वपूर्ण है, वेदर इज एन एडल्ट या इवन अ किड, जैसे 15 साल से ऊपर के बच्चों का अब लग रही हैं, तो यू कैन गेट अ सिंगल डोज ऑफ एनी ऑफ दीज टू मेडिसिन, हाइपेरिकम एंड लेडमपाल, 30 सी पोटेंसी में अपने पास रखें दोस्तों। जस्ट गेट इट प्रिपेयर्ड इन द ग्लोब्यूल्स, पिल्स में लें 6 गोली दिन में 2 बार, 1 दिन पहले लें, 2 डोजेज आर सफिशियंट, सो दैट वैक्सीन लगवाने के बाद हमें ऐसे साइड इफेक्ट्स का सामना ना करना पड़े, जब वो बहुत माइल्ड रहे, दिक्कत ना पड़े। दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखें, लाइक आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन के बाद अगर इफेक्ट साइड इफेक्ट उसके दिख रहे हैं, माइल्ड टू मॉडरेट अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो दो इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनका नाम है, वन इज सिलिशिया वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड इज थूजा, 200 पोटेंसी में अपने पास रखें। अब देखिए क्या दिक्कतें हैं और क्या हमने डोजेस देनी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन समस्या रहती है कई बार बुखार की, देर इज फीवर, देर इज बैक एक, देर इज हेड एक, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बुखार तेज हो रहा है, क्या करें, सिलिशिया लें 200 सी में, जस्ट 2 डोजेस, दिन में 2 बार लें, सफिशियंट है, वैसे तो फर्स्ट डोज के बाद आपको रिलीफ लगेगा। और वैक्सीन लगवाने के बाद अगर सिंपल सर में दर्द रह रहा है, देर इज नो फीवर एज सच, तो वहां भी सिलिशिया काम करती है, सिलिशिया एंड थूजा बोथ कैन बी गिवन, 30 सी में भी दे सकते हैं, सिंगल डोज इज सफिशियंट। अच्छा, बच्चों में अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो कई बार होता है कि ना इरप्शंस निकल आते हैं, त्वचा के ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे दाने आ जाते हैं विद इचिंग सिम्टम्स, खुजली रहती है, अगर वैक्सीनेशन के बाद ऐसे इरप्शंस आते हैं बॉडी में कहीं भी किसी हिस्से में, तो याद रखें मिजीरियम एन एक्सीलेंट मेडिसिन, 30 सी सिंगल डोज इज सफिशियंट। दोस्तों, इंजेक्शन लगवाने के बाद ना कई बार बाजू में जहां द साइट ऑफ इंजेक्शन इट गेट्स इन्फ्लेम्ड, सूजन आ जाती है, रेडनेस होती है, लाली आ जाती है, पूरी बाजू दर्द करती है, ऐसा भी कई बार देखा गया है, क्या करें, सिलिशिया 200 में, जस्ट सिंगल डोज इज सफिशियंट, आपको काफी आराम लगेगा।
दोस्तों आई होप यू हैव मेड अ नोट ऑफ इट। वैक्सीनेशन लगवाने से पहले, वैक्सीन लगवाने से पहले टू इंपॉर्टेंट मेडिसिन हाइपेरिकम एंड लीडमपाल अपने पास जरूर रखें, और वैक्सीन लगवाने के बाद अगर दिक्कतें रहती है सिलिशियन थूजा वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, 30C and 200C दोनों पोटेंशियल अपने पास रखें। डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ द कंडीशन यू कैन यूज जस्ट अ सिंगल डोज इज सफिशियंट, कैन बी रिपीटेड वेर एवर रिक्वायर्ड, है ना। अपना ख्याल रखें दोस्तों, दिस वॉज वेरी शॉर्ट वीडियो लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके साथ ये दवाएं शेयर करना चाहता था। और जुड़े रहे गुनाना केयर्स के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो शॉर्टली विल बी टॉकिंग अबाउट ओमिक्रॉन एज वेल। अपना ख्याल रखें दिस टफ टाइम्स, जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, गॉड ब्लेस।